जो ऊंचते ऊंच होगा वो सार्वभौम होगा भक्ति मार्ग में भी। द वन हु इज द हाईएस्ट विल बी यूनिवर्सल इन द पाथ ऑफ भक्ति एज वेल। पहले पहले होगा, ही विल बी द फर्स्ट वन इन दिस वर्ल्ड। भक्ति मार्ग में जब भक्ति शुरू होगी तो पहले पहले वो होगा। वेन भक्ति मीनिंग वर्शिप बिगिन्स इन द पाथ ऑफ भक्ति ही विल बी द फर्स्ट वन टू बी वर्शिप्ड। जो आदि में सो सो अंत में। द वन हु इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग इज इन द एंड एज वेल। कौन होता है? हु इज ही? ऐसी कौन सी मूर्ति है जो सार्वभौम है? विच आइडल इज यूनिवर्सल, माने भूमि में, इस पृथ्वी में, हर देश में वो मूर्ति मिलती है। इट मीन्स दैट आइडल इज फाउंड ऑन दिस लैंड, ऑन दिस अर्थ एंड इन एवरी कंट्री। है? नहीं, शंकर की मूर्ति नहीं मिलती है। स्टूडेंट, शंकर, नो, द आइडल्स ऑफ शंकर आर नॉट फाउंड इन ऑल द कंट्रीज। मूर्तियाँ सारी मूर्ति परस्त भारत में ही ज्यादा होते हैं। ऑल द आइडल्स आर इन भारत, देर आर मोर आइडल वर्शिपर्स इन भारत इटसेल्फ। अरब देश में भी मूर्ति परस्त थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। देर वर आइडल वर्शिपर्स इन द अरब कंट्रीज एज वेल, दे यूज टू वर्शिप आइडल्स। लिंग, स्टूडेंट, द लिंग, द लिंग, जो लिंग पत्थर है सारी दुनिया में कहीं न कहीं जहाँ जहाँ खुदाई हुई वो पत्थर के लिंग मिले हैं। द लिंग शेप्ड स्टोन वेर एवर देर वर एक्सकवेशन इन द एंटायर वर्ल्ड दो स्टोन लिंग्स वर फाउंड एट सम प्लेस और अदर। इससे साबित होता है, इट प्रूव्स दैट ये सार्वभौम है, इट इज यूनिवर्सल। भूमि में, पृथ्वी में, हर जगह इसकी उपासना हुई है। इट हैज बीन वर्शिप्ड एवरीवेयर ऑन द लैंड ऑन द अर्थ, चाहे आदि में चाहे अंत में। इन द बिगिनिंग एज वेल एज इन द एंड, अंत में जो उपासना होती है वो पत्थर के लिंग के रूप में होती है। इट इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ द लिंग ऑफ स्टोन इन द एंड पीरियड। और आदि में जो उपासना होती है वो हीरे के लिंग के रूप में होती है। एंड इन द बिगिनिंग इट इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड लिंग। इसलिए सोमनाथ का मंदिर जो था उसमें क्या था? हीरा था। दैट इज वाई वॉट वॉज देर इन द लिंग इन द सोमनाथ टेम्पल देर वॉज अ डायमंड। वो लिंग में जड़ा हुआ था। इट वॉज स्टडेड इन द लिंग। उससे साबित होता है, इट प्रूव्स दैट कि वो लिंग मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। द आइडल ऑफ द लिंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी आइडल, मूर्ति मीनिंग पर्सनैलिटी। पत्थर का साधारण पत्थर नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टोन। उसमें वो हीरा प्रवेश करता है। दैट डायमंड एंटर्स इट। तो वो हीरे का लिंग तो होता ही नहीं है। सो इट इजंट अ डायमंड लिंग एट ऑल। क्योंकि हीरा तो छोटा होता है या बड़ा होता है? बिकॉज इज अ डायमंड स्मॉल और बिग। हीरा तो छोटा ही होता है। अ डायमंड इज सर्टनली स्मॉल। तो वो तो हीरा बनाने वाला है शिव। सो इट इज शिव हु मेक्स हिम इनटू अ डायमंड। वास्तव में जिस हीरा का प्रवेशता दिखाई गई है पत्थर के लिंग में, एक्चुअली द स्टोन लिंग इन विच द एंट्रेंस ऑफ द डायमंड हैज बीन शोन, वो है मूर्ति पत्थर की, इज एन आइडल ऑफ स्टोन। कहीं कहीं शिवलिंग में नाक और कान भी दिखाए जाते। एट सम प्लेसेस अ नोज आईज एंड इयर्स आर ऑल्सो शोन ऑन द शिवलिंग। ज्ञानेन्द्रिया दिखाई जाती है। द ज्ञानेन्द्रिया आर शोन, ज्ञानेन्द्रिया मीनिंग द सेंस ऑर्गन्स। है लिंग, इट इज अ लिंग, लेकिन उसमें नाक और कान भी है, ज्ञानेन्द्रिया। बट इट ऑल्सो हैज द ज्ञानेन्द्रिया नोज आईज एंड इयर्स एज वेल। ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेन्द्रिया? इट हैज ज्ञानेन्द्रिया। एंड वॉट अबाउट द कर्मेन्द्रिया पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज टू परफॉर्म एक्शंस। कर्मेन्द्रियों में सिर्फ एक ही कर्मेन्द्रिय है लिंग। देर इज जस्ट वन कर्मेन्द्रिय अमंग ऑल द कर्मेन्द्रियाज, इट इज द लिंग। लेकिन वो लिंग भी, बट इवन दैट लिंग,
जो कर्मेंद्रियों में एक लिंग दिखाया गया है उस लिंग में भी ज्ञानेंद्रियां जरूर हैं। Among the कर्मेंद्रिया the link that has been shown, even in that link, the Gyanendriya are definitely present. Gyan bharpoor hai. He, meaning the corporeal one, has a lot of knowledge. Jo dekhega, whatever he sees, right wrong ka faisla karega. He will decide what is right and what is wrong. Jo sunega, right wrong ka faisla karega. Whatever he hears, he will decide what is right and what is wrong. Jo bolega, राइट रैंक का फैसला करेगा। वॉट एवर ही स्पीक्स ही विल डिसाइड वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। स्पर्श भी करेगा तो राइट रैंक का फैसला करेगा। इवन वेन ही टचेस समवन ही विल डिसाइड वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग। माना इट मीन्स सत्य ही सत्य है, इज जस्ट ट्रू, उसमें असत्य कुछ भी नहीं, वो आदि का रूप है जो भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। देयर इज नो फॉल्सिटी इन हिम, इट इज द फॉर्म ऑफ द बिगिनिंग विच इज वर्शिप्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग मूर्ति मिली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। अ डायमंड वॉज स्टडीड इन द आइडल ऑफ द लिंग फाउंड इन द सोमनाथ टेम्पल। तो वो हीरे का रूप है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। सो दैट इज द फॉर्म ऑफ द डायमंड, द मोस्ट एलिवेटेड फॉर्म। फिर बाद में स्वर्ण लिंग बने। देन लेटर गोल्डन लिंग वर प्रिपेयर्ड। बड़े बड़े राजाएं सोने के लिंग बनाते थे मंदिरों में। ग्रेट किंग्स यूज्ड टू मेक गोल्डन लिंग इन टेम्पल्स। अभी भी कोई कोई के घर में छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए रखे होंगे सोने के। इवन नाउ स्मॉल शिवलिंग मेड ऑफ गोल्ड विल बी केप्ट एट सम पीपल्स होम। कोई के घर में होंगे कि नहीं? विल दे बी एट सम पीपल्स होम और नॉट? कोई कोई के घर में होते हैं सोने के लिंग। द लिंग मेड ऑफ गोल्ड आर एट द होम ऑफ फ्यू पीपल। लेकिन बहुत विरल। बट इट इज वेरी रेयर। इतना किसके पास पैसा है फालतू भक्ति में इतना खर्च करता रहे। हु हैज सो मच मनी टू स्पेंड वेस्टफुली इन भक्ति। लेकिन स्वर्ण लिंग बहुत तादाद में थे पहले। बट द गोल्डन लिंग वर इन लार्ज नंबर अर्लियर। बाद में रजत लिंग। देन द सिल्वर लिंग वर मेड। फिर बाद में ताम्र लिंग, तांबे के, पीतल के। देन लेटर ऑन कॉपर लिंग, द लिंग ऑफ कॉपर और ब्रास वर मेड। उसके बाद फिर अब कलयुग में आकर के लौह लिंग। आफ्टर दैट नाउ इन द आयरन एज देर आर आयरन लिंग्स। और लोहा भी ज्यादा कास्टली है तो पत्थर को चाहे जहां लेकर के ठोक पीट करके क्या करो लिंग बना लो। इवन आयरन इज वेरी कॉस्टली, सो वेर एवर समवन विशेस ही कैन टेक अ स्टोन चिजल इट एंड प्रिपेयर अ लिंग। अच्छा वो भी न मिले? अच्छा इफ दे कांट इवन फाइंड दैट तो कहीं से भी पत्थर उठाना। दे पिकअप एंड ब्रिंग अ स्टोन फ्रॉम एनी वेयर। पत्थर तो नदियों में बहुत मिलते हैं। अ लॉट ऑफ स्टोन्स कैन बी फाउंड इन रिवर्स। गोल गोल पत्थर जहाँ देखो उठा लो स्थापन कर दो। वेर एवर दे सी अ राउंड स्टोन दे पिक इट अप एंड ब्रिंग इट एंड प्लेस इट। वो भी मुसीबत हो, नदियाँ दूर दूर होती हैं। इफ दैट टू इज डिफिकल्ट बिकॉज द रिवर्स आर फार अवे। तो मिट्टी ली इकट्ठी की और बना दिया। दे टेक सॉइल पाइल इट अप एंड मेक अ लिंग। पूजा की और बिगाड़ दिया ये चले। दे वर्शिप इट एंड डिस्ट्रॉय इट एंड वॉक अवे। तो वो लिंग जो है उसका चैतन्य रूप वो भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। सो द लिविंग फॉर्म ऑफ द लिंग ऑल्सो पासिस थ्रू फोर स्टेजेस। कब? वेन? शूटिंग पीरियड में। इन द शूटिंग पीरियड। शूटिंग पीरियड में सतो प्रधान भी है। इन द शूटिंग पीरियड ही सतो प्रधान। सतो सामान्य भी है, रजो प्रधान भी है और फिर तमो प्रधान भी बनता है। सतो सामान्य रजो प्रधान एंड देन ही ऑल्सो बिकम्स तमो प्रधान। क्यों बनता है शूटिंग पीरियड में ऐसा क्यों बनता है? व्हाई डज ही बिकम दैट इन द शूटिंग पीरियड। शूटिंग पीरियड में तो उसे अच्छा ही अच्छा बनना चाहिए। इन फैक्ट इन द शूटिंग पीरियड ही शुड जस्ट बिकम गुड। ऐसा क्यों बनता है? देन व्हाई डज ही बिकम दैट? शूटिंग पीरियड में नहीं बने तो ब्रॉड डायमंड। वो तो ठीक है। स्टूडेंट
if he doesn't become that in the shooting period, he won't become that in the broad drama. That is correct. जो शूटिंग में होगा जो रिहर्सल में होगा ब्रॉड ड्रामा वॉट एवर हैपन्स इन द शूटिंग इन द रिहर्सल दैट इटसेल्फ विल हैपन इन द ब्रॉड ड्रामा लेकिन सवाल ये है शूटिंग पीरियड में ऐसा क्यों ब्रॉड ड्रामा में तो भगवान होता ही नहीं मिलता ही नहीं बट द क्वेश्चन इज व्हाई डज ही बिकम दैट इन द शूटिंग पीरियड देयर इजंट गॉड इन द ब्रॉड ड्रामा एट ऑल वी डोंट फाइंड हिम एट ऑल शूटिंग पीरियड में तो भगवान मिलता है ना बट वी डू फाइंड गॉड इन द शूटिंग पीरियड डोंट वी चार अवस्थाओं से पसार होता है क्यों होता है चार अवस्था जब भगवान मिला हुआ है स्टूडेंट देर आर फोर स्टेजेस aren't there? He passes through four stages. Why does he pass through the four stages when he has found God? अरे भगवान नहीं मिला हुआ है क्या अरे hasn't he found God? हैं? जब भगवान मिला हुआ है तो फटाक सतो प्रधान स्टेज में आ जाना चाहिए स्टूडेंट ही हैज वेन ही हैज फाउंड गॉड He should immediately attain the Satopradhan stage. अरे पुरुषार्थ करके स्थिति बनानी है पुरुषार्थ करके स्थिति बनानी Student, he has to attain the stage after making Purushartha, hasn't he? He has to attain the stage after making Purushartha. हाँ क्या नियम है Student, it is the rule of the world. What is the rule? स्टूडेंट टू पास थ्रू फोर स्टेजेस अगर नियम है इस सृष्टि का तो सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि में आकर के चार अवस्थाओं से जाना चाहिए ना इफ इट इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड द सुप्रीम सोल शुड ऑल्सो पास थ्रू द फोर स्टेजेस आफ्टर कमिंग इन दिस वर्ल्ड शुडंट ही जो सुप्रीम सोल आता है सृष्टि पर वो भी तो चार अवस्थाओं से जाना चाहिए वेन द सुप्रीम सोल कम्स इन दिस वर्ल्ड ही टू शुड पास थ्रू द फोर स्टेजेस हाँ तो वो उसको भी जाना चाहिए स्टूडेंट एवरीथिंग पासेस थ्रू फोर स्टेजेस यस सो ही टू शुड पास थ्रू फोर स्टेजेस इस दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड पासेस थ्रू फोर स्टेजेस स्टूडेंट द वन हुम द सुप्रीम सोल एंटर्स शुड पास थ्रू फोर स्टेजेस जिसमें प्रवेश किया वो आना चाहिए और जिसने प्रवेश किया वो आत्मा नहीं है द वन हुम ही एंटर्ड शुड पास थ्रू फोर स्टेजेस एंड इजंट द वन हु एंटर्ड अ सोल है हाँ स्टूडेंट ही इज द सुप्रीम गॉड द वन गॉड हाँ जो असली यस द वन हु इज रियल स्टूडेंट सेड समथिंग नहीं जो असली है वो सदैव ही असली है नो द वन हु इज रियल इज ऑलवेज रियल जो असली हीरा है वो सदैव ही हीरा है द रियल डायमंड इज ऑलवेज अ डायमंड हीरे को कहीं भी तुम मिट्टी में डाल दो You may put a diamond anywhere in the soil. चारों तरफ से उससे मिट्टी ढक गई. It is covered with soil from all the sides. तूफान आए मिट्टी चारों तरफ से ढक गई. Suppose there were storms and it was covered with soil from all the sides. तो भी हीरा तो हीरा ही रहेगा. Still, the diamond will just remain a diamond. एकदम अंधकार हो सारा कमरा बंद. If there is complete darkness, the entire room is closed. रात्रि के 12 बजे हैं, चंद्रमा भी निकला हुआ नहीं है इट इज मिड नाइट द मून हैजंट कम अप इन द स्काई ईदर एकदम अंधकार उसमें हीरा रख दो देर इज कम्प्लीट डार्कनेस एंड कीप अ डायमंड देर फिर भी चमक मारेगा स्टिल इट विल शाइन अरे ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही भगवान रहेगा अरे द वन हु इज ओरिजिनल विल जस्ट रिमेन द ओरिजिनल गॉड और डुप्लीकेट कौन है And who is duplicate? Duplicate भगवान कौन है? Duplicate भगवान कौन हुआ? Who is the duplicate God? जिसका शिव के साथ नाम जुड़ा हुआ है शंकर It is Shankar, the one whose name is combined with Shiv. क्या What? शंकर शंकर मुसलमानों ने भी ऐसे ही है
इट इज द सेम इवन अमंग द मुस्लिम्स। मुसलमान लोग जब मस्जिद में भगवान को याद करने जाते हैं, व्हेन द मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क टू रिमेम्बर गॉड, तो एक नाम नहीं लेते, दे डोंट से वन नेम। क्या? वॉट? दो नाम लेते हैं। दे से टू नेम्स। अल्लाह अकबर। दे से अल्लाह अकबर। जोर से बोलेंगे। दे विल से इट लाउडली। तो दो नाम क्यों बोलते हैं? सो व्हाई डू दे से टू नेम्स? अल्लाह माने ऊंचा। अल्लाह मीन्स द हाईएस्ट। अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा, वो सदैव ही ऊंचा है। अल्लाह मीन्स द हाईएस्ट ऑन हाई, ही इज ऑलवेज द हाईएस्ट। फिर जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम दिया अकबर। देन द वन हुम ही एंटर्स वॉज नेम्ड अकबर। अक माने दुनिया के जितने भी छोटे बड़े फूल हैं, उन सब फूलों में दो तरह के हैं। अक मीन्स ऑल द स्मॉल एंड बिग फ्लावर्स इन द वर्ल्ड आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो सुगंध वाले और एक दुर्गंध वाले। वन इज द वंस विथ फ्रेग्रेंस एंड द अदर इज द वंस विथ बैड ओडर। तो दुनिया में जितने सुगंध वालों को तो एक तरफ रखो। सो ऑल द फ्लावर्स इन द वर्ल्ड कीप द फ्लावर्स विथ फ्रेग्रेंस ऑन वन साइड। लेकिन जो दुर्गंध वाले फूल हैं, उनमें जो सबसे छोटे छोटे फूल होते हैं वो है अक। बट अमंग द फ्लावर्स विथ बैड ओडर द स्मॉलेस्ट फ्लावर्स आर द फ्लावर्स ऑफ अक, स्वॉलो वॉट कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया मीनिंग अ मेडिसिनल प्लांट। क्या? वॉट? अक का फूल। द अक फ्लावर दुर्गंध छोड़ता है, सुगंध देता है। डज इट गिव आउट बैड ओडर और फ्रेग्रेंस? दुर्गंध छोड़ता है। इट गिव्स आउट बैड ओडर। लेकिन उससे एक खासियत है। बट इट हैज वन स्पेशलिटी। उससे जो दवाइयाँ बनती हैं पेट की, द मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट फॉर स्टमक प्रॉब्लम्स, पेट एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बना देता है। इट मेक्स द स्टमक एब्सोल्युटली गुड फर्स्ट क्लास। क्या? वॉट? खूब भूख लगेगी। योर एपेटाइट विल इंक्रीज अ लॉट। और खूब पचाएगा। एंड इट विल डाइजेस्ट द फूड वेरी वेल। अक 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 का फूल। स्टूडेंट आस्क्ड समथिंग। अक अक द फ्लावर ऑफ अक। हाँ, अक का फूल क्या कहते हैं तेलुगु में? यस, व्हाट इज द अक फ्लावर कॉल्ड इन तेलुगु? क्या ये तो हिंदुस्तानी निकला, ये जानता ही नहीं अक का फूल। टू अ स्टूडेंट, व्हाट? ही केम आउट टू बी अ हिंदुस्तानी मीनिंग रेजिडेंट ऑफ हिंदुस्तान इंडिया, ही डजंट नो द अक फ्लावर एट ऑल। है जो भी कहते हो। स्टूडेंट सेड समथिंग, वॉट एवर इट इज कॉल्ड। तो वो अक का फूल जो छोटा सा होता है, दुर्गंध वाला होता है, सुगंध नहीं होती उसमें। दैट स्मॉल अक फ्लावर हैज बैड ओडर, इट डजंट हैव फ्रेग्रेंस। है? हाँ, सफेद होता है। स्टूडेंट इज इट वाइट? यस इट इज वाइट। सफेद होता है, थोड़ा सा जब खुलेगा तो थोड़ा उसमें नीलापन निकलता है, नीला नीला। इट इज वाइट अर्लियर एंड व्हेन इट ब्लूम्स देयर इज स्लाइट ब्लूइशनेस ब्लूनेस इन इट। नीला रंग जो होता है वो विषय विकार का सूचक है। ब्लू कलर इंडिकेट्स द वाइसेस। है? हाँ, विषय। स्टूडेंट ब्लू कलर? यस विशियस। नीला रंग है, काला रंग है, ये विषय विष का सूचक है। ब्लू एंड ब्लैक कलर इंडिकेट द कलर ऑफ पॉइजन। तो वो जो अक है, दुनिया में ढेर के ढेर अक है। सो देर आर न्यूमरस अक प्लांट्स इन द वर्ल्ड। इस हिंदुस्तान में तो किसी भी शहर में चले जाओ, यू मे गो टू एनी सिटी इन दिस हिंदुस्तान, जहाँ जहाँ शिव के मंदिर होंगे, वेर एवर देर आर द टेम्पल्स ऑफ शिव, आस पास ढेर के ढेर अक और धतूरे मिल जाएंगे। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्लांट्स ऑफ अक एंड धतूरा अराउंड इट। धतूरा मीन्स द थॉर्न एप्पल, अ नार्कोटिक। क्या? वॉट? अक भी मिलेंगे और धतूरे। धतूरे का फूल थोड़ा लंबा होता है। अक एज वेल एज धतूरा विल बी फाउंड, द फ्लावर ऑफ धतूरा इज अ बिट लॉन्गर। और अक का फूल सबसे छोटा होता है। वाइल द फ्लावर ऑफ अक
इज द स्मॉलेस्ट। लेकिन उन ढेर अक के फूलों के बीच में से एक है वर। बट अमंग दोज न्यूमरस फ्लावर्स ऑफ अक वन इज वर। वर माने श्रेष्ठ। वर मीन्स द एलिवेटेड वन। क्या? वॉट? उसका नाम दिया अकबर। इट वॉज नेम्ड अकबर। अक के फूलों में श्रेष्ठ। मीनिंग द एलिवेटेड अमंग द फ्लावर्स ऑफ अक। दूसरे शब्द में कहा अंधों में काने राजा। इन अदर वर्ड्स यू मे से वन आइड किंग अमंग द ब्लाइंड्स। मीनिंग ट्राइटन अमंग द मिनोज। हिंदी में कहावत है अंधों में काने राजा। देर इज अ सेइंग इन हिंदी अंधों में काने राजा। तो अंधे अच्छे या उनमें से जो काना है एक आंख खुली हुई है थोड़ी झुंझार थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है वो ज्यादा अच्छा है। सो आर द ब्लाइंड वंस बेटर और इज द वन आइड द वन हुज वन आई इज ओपन द वन विद डिम आई साइट द वन हु कैन सी अ लिटिल अमंग देम इज बेटर। अंधों में काना और काने में भी उसकी आंख कैसी। वन आइड अमंग द ब्लाइंड इज बेटर एंड इवन विद द वन आई हाउ इज हिज आई। छोटी आंख। हिज आई इज स्मॉल। बाबा इज इमिटेटिंग द वे अ वन आइड पर्सन सीज समथिंग। थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। स्टूडेंट इट विल बी अ बिट ओपन। यस इट इज अ बिट ओपन। तो अंधों में काना राजा अच्छा तो हुआ ना। सो द वन आइड इज सर्टनली बेटर अमंग द ब्लाइंड इजंट ही। हाँ तो बाबा कहते हैं आत्मा पूरी झुंझार नहीं होती। सो बाबा सेज द सोल डजंट बिकम डल कम्प्लीटली। आत्मा जो है पूरी रोशनी उसकी नहीं जाती। द कम्प्लीट रेडियंस ऑफ द सोल डजंट पेरिश। कुछ न कुछ झुंझार रहती है। देर इज डिमनेस टू सम एक्सटेंट। उसमें मैं प्रवेश करता हूँ। आई एंटर हिम। और उसमें प्रवेश करके उसको कैसा बनाता हूँ। एंड आफ्टर एंटरिंग हिम आई मेक हिम लाइक वॉट। आप समान बनाता हूँ। आई मेक हिम इक्वल टू मी। आप समान कैसा है। हाउ इज ही इक्वल टू मी। वो है त्रिकालदर्शी। ही मीनिंग शिव इज त्रिकालदर्शी द वन हु नोज द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। कैसा है त्रिकालदर्शी। हाउ इज ही त्रिकालदर्शी। फिर उसको भी बनाता है मास्टर त्रिकालदर्शी। देन ही मेक्स हिम टू मास्टर त्रिकालदर्शी। प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी। मीनिंग त्रिकालदर्शी इन प्रैक्टिस। तो आप समान बनाया त्रिकालदर्शी बनाया। ही मेड हिम इक्वल टू हिम ही मेड हिम त्रिकालदर्शी। तो उसको तीसरा नेत्र यादगार में मूर्ति में दिया जाता है। उस नेत्र को कहते हैं सदाशिव। सो एज अ मेमोरियल द थर्ड आई इज शोन ऑन द आइडल ऑफ शंकर दैट आई इज कॉल्ड सदाशिव। वो हो गया भगवान के द्वारा बनाया हुआ भगवान का टाइटल धारी रूप। ही इज द टाइटल होल्डर फॉर्म ऑफ गॉड मेड बाय द ओरिजिनल गॉड। इसलिए हिंदुओं में और मुसलमानों में उस रूप की यादगार दी गई है। दैट इज वाई द मेमोरियल ऑफ दैट फॉर्म हैज बीन शोन अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। आज भी जो मक्का में हज करने जाते हैं इवन टूडे दोज हु गो टू द मक्का फॉर हज मीनिंग पिलग्रिमेज टू मक्का। वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है दीवार में। अ स्टोन हैज बीन केप्ट देयर इन द वॉल। वो ऐसे करके उसको छूते हैं और चूमते हैं। दे टच इट लाइक दिस एंड किस इट। क्या वॉट टच करते हैं चूमते हैं। दे टच इट एंड किस इट। हाँ ऐसा समझा जाता है जब तक उसको छुएंगे नहीं चूमेंगे नहीं तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। स्टूडेंट सेड समथिंग। यस इट इज बिलीव्ड दैट अनलेस दे टच एंड किस इट देयर जर्नी मीनिंग पिलग्रिमेज इज इनकम्प्लीट। तो ये यहाँ की यादगार है। सो इट इज अ मेमोरियल ऑफ हियर मीनिंग द कॉन्फ्लुएंस एज। उस लिंग रूप में वो सुप्रीम सोल
प्रवेश करता है और प्रवेश करके द सुप्रीम सोल एंटर्स दैट फॉर्म ऑफ द लिंग एंड आफ्टर एंटरिंग आप समान त्रिकालदर्शी बनाता है मेक्स हिम इक्वल टू हिम ही मेक्स हिम त्रिकालदर्शी याद से बनता है ही बिकम्स इक्वल टू हिम थ्रू रिमेम्बरेंस पुरुषार्थ से बनता है थ्रू पुरुषार्थ बौद्धिक पुरुषार्थ है इट इज द पुरुषार्थ ऑफ द इंटेलेक्ट क्या वॉट मन का पुरुषार्थ है इट इज द पुरुषार्थ ऑफ द माइंड मन जो है ग्यारहवीं इंद्रिय है द माइंड इज द 11th इंद्रिय इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है इट इज द मोस्ट एलिवेटेड इंद्रिय अमंग ऑल द इंद्रिया उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मन रूपी इंद्रिय के द्वारा परमात्मा बाप की याद करके वो बाप समान बनता है बाय रिमेम्बरिंग द सुप्रीम फादर ही बिकम्स इक्वल टू द फादर थ्रू दैट मोस्ट एलिवेटेड इंद्रिय द माइंड तब भगवान का टाइटल मिलता है इट इज देन दैट ही रिसीव्स द टाइटल ऑफ गॉड अगर ओरिजिनल भगवान होता हैड ही बीन द ओरिजिनल गॉड तो क्या बनाता वॉट वुड ही हैव मेड अदर्स इनटू वो डुप्लीकेट भगवान होता है ही इज द डुप्लीकेट गॉड अगर ओरिजिनल भगवान होता तो क्या बनाता हैड ही बीन द ओरिजिनल गॉड वॉट वुड ही हैव मेड अदर्स इनटू अरे देवता देवता बनाता है अ डेटी मेक्स अदर्स इनटू डेटीज डॉक्टर डॉक्टर बनाता है अ डॉक्टर मेक्स अदर्स इनटू डॉक्टर्स इंजीनियर इंजीनियर बनाता है एन इंजीनियर मेक्स अदर्स इनटू इंजीनियर्स अगर वो ओरिजिनल भगवान होता तो क्या बनाता हैड ही बीन द ओरिजिनल गॉड What would he have made others into? भगवान भगवती बनाता He would have made others into God and Goddess. लेकिन वो कोई को भगवान भगवती नहीं बनाता But he doesn't make anyone into God and Goddess. हाँ इस दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर शूटिंग करने वाले तैयार हो जाते हैं जो भगवान का टाइटल ले लेते हैं But yes. Numerous people who perform the shooting of becoming God, who take the title of God, become ready in this world. क्योंकि जो broad drama है भक्ति मार्ग का Because in the broad drama, in the path of bhakti, उसमें ढेर के ढेर भगवान बन के बैठते हैं कि नहीं बैठते Do many people sit as God or not? नहीं बैठते Don't they? बैठते हैं They do. तो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं होती है सो इज द शूटिंग परफॉर्म्ड हियर और नॉट है उनकी जो शूटिंग होती है डुप्लीकेट ढेर के ढेर भगवान बन जाते हैं दोज हूज शूटिंग इज परफॉर्म्ड द न्यूमरस पीपल हु बिकम डुप्लीकेट गॉड्स वो कैसे बन जाते हाउ डू दे बिकम दैट है वो डुप्लीकेट ढेर के ढेर भगवान बनाने वाला कौन बिना बनाए बन जाते हैं हु इज द वन Who creates those numerous duplicate gods? Do they become that without being made? या अपने आप बन जाते हैं या बनाने से बन जाते हैं Or do they become that on their own? Or do they become that on being made into that? आ? कैसे बनेंगे How will they become that? आ? बनाने से बनेंगे They will become that on being made. तो कौन हुआ उनका रचयिता So who is their creator? हाँ वो जो अधूरा पुरुषार्थ है ना स्टूडेंट शंकर हाँ यस द वन हुज पुरुषार्थ इज इनकम्प्लीट वो अधूरा पुरुषार्थ ही वो डुप्लीकेट ढेर के ढेर भगवान बनाता है ही इन हिज इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ पुरुषार्थ हिमसेल्फ क्रिएट्स न्यूमरस डुप्लीकेट गॉड्स जब संपूर्ण हो जाए व्हेन ही हैज बिकम कम्प्लीट तो फिर दुनिया से जितने भी ढेर के ढेर भगवान हैं, वो सब पलायन कर जाएंगे ऑल द न्यूमरस गॉड्स इन द वर्ल्ड विल रन अवे के रह जाएंगे और विल दे रिमेन सब पलायन कर जाएंगे दे ऑल विल रन अवे ओम शांति ओम शांति